नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल GSM मोबाइल पर। हमारे पास है अभी हाथ में वीवो का 95 मॉडल, जिसके रिफ्लेक्टर में लिक्विड चला गया है मोबाइल के। तो आज हम इस वीडियो पे इसका रिफ्लेक्टर चेंज करना बताएंगे, किस प्रकार इसका रिफ्लेक्टर चेंज किया जाता है। तो इसका रिफ्लेक्टर चेंज करने के लिए हमें सेम मॉडल का ख़राब डिस्प्ले लेना है, जिसका रिफ्लेक्टर अच्छा हो। तो पहले इसका डिस्प्ले निकाल लेंगे। अब सेम मॉडल का रिफ्लेक्टर हमें लेने के लिए सेम मॉडल का डिस्प्ले चाहिए। ये हमारे पास सेम मॉडल 95 का ही डिस्प्ले है, जिसका रिफ्लेक्टर ओरिजिनल है। इसका रिफ्लेक्टर हम इसमें डालेंगे। तो रिफ्लेक्टर निकालने से पहले हमें इसका बैकलाइट के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने इसका बैकलाइट डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसे हमें गर्म करना है। ये गर्म हो चुका है। अब हम इसका रिफ्लेक्टर रिमूव कर लेंगे विद बैकलाइट। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टर निकालते समय कहीं डिस्प्ले के कॉर्नर ब्रेक ना हो जाए। ये हमने इसका रिफ्लेक्टर बैकलाइट समेत निकाल लिया है। ये वर्किंग डिस्प्ले है। अब हम ख़राब डिस्प्ले का रिफ्लेक्टर निकालेंगे। इसका भी बैकलाइट रिमूव कर लेंगे। इसे भी अब गर्म करेंगे। ये भी गर्म हो चुका है। अब इसका बैकलाइट फिल्म हमें आराम से निकालना है, क्योंकि इसी का हमें इस्तेमाल करना है वर्किंग डिस्प्ले पे लगाकर, तो कहीं निकालने में ये डैमेज ना हो जाए। अगर कोई डस्ट वगैरह हो तो हमें साफ़ कर लेनी है। अब हमें रिफ्लेक्टर को एडजस्ट करना है डिस्प्ले पर। उससे पहले अगर इसके ये ब्लैक टेप निकल जाती है तो उसे सही कर लेना है, ताकि ये डिस्प्ले के अंदर हमें दिखे ना। इसे बाहर की तरफ रिमूव कर लेना है। ये हमने उसकी टेप को बाहर की तरफ रिमूव करके
उसके कोने पर चिपका दिया है ताकि डिस्प्ले के अंदर ना दिखे वो जब हम डिस्प्ले ऑन करें। अब हमें रिफ्लेक्टर को डिस्प्ले पर पुट करना है। ये सही तरीके से अलाइनमेंट नहीं हुआ है, इसे निकाल कर वापस से बराबर अलाइनमेंट करके लगाएंगे। बराबर लग चुका है। अब इसके बैकलाइट का कनेक्शन हम शोल्ड कर देंगे बराबर। अभी से हम किसी टेप से कवर कर लेंगे ताकि ये फ्रेम में शॉर्ट ना हो कहीं पर। अब हम इसे फ्रेम में लगाकर चेक करेंगे। देखिए ये चालू हो गया है और रिफ्लेक्शन बराबर दिख रहा है। जब पूरा ऑन हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा कि ये रिफ्लेक्टर हमारा बराबर चेंज हुआ है या नहीं। ये देखिए कहीं पर भी कोई लिक्विड या दाग धब्बा नहीं है। ये पूरी तरह से अब पूरा फ्रेश डिस्प्ले दिख रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।